नमस्कार दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, हम वन लाइनर करंट अफेयर्स की बात करेंगे। डेली के जितने भी करंट अफेयर बनते हैं, जितनी भी न्यूज़ आती है, उनके वन लाइनर में क्वेश्चंस आपको मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अरब इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट हैज़ बीन स्टार्टेड इन बैरूत, लंदन, लेबनान। अरब आर्थिक और सामाजिक विकास सम्मेलन बैरूत लेबनान में शुरू किया गया। बैरूत की जो कैपिटल है वो है लेबनान, और इसकी जो करेंसी है वो यूरो। ये आपको ध्यान रखना है, जो बैरूत है ये कंट्री का नाम है, उसने आर्थिक और सामाजिक विकास सम्मेलन अपने कैपिटल लेबनान में स्टार्ट किया। तो बैरूत की कैपिटल होगी लेबनान और इसकी करेंसी होगी यूरो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूज़ है, डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज़ इनोग्रेटेड दी तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारे का उद्घाटन किया। नाउ लेट्स मूव ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया स्टील 2019 एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस हैज़ स्टार्टेड इन मुंबई। इंडिया स्टील 2019 की प्रदर्शनी और सम्मेलन मुंबई में शुरू हुआ। दोस्तों आप लोग मुझे बताना कि मुंबई, चलो मैं ही बता देता हूँ, मुंबई के जो चीफ मिनिस्टर है वो है देवेंद्र फडणवीस, और आप लोग मुझे गवर्नर बताना, मुंबई के गवर्नर कौन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगली जो न्यूज़ आती है हमारे पास वो है, अंकित राणा हैज़ वोन द इंटरनेशनल फेडरेशन $25,000 वुमेंस टूर्नामेंट इन सिंगापुर। अंकित राणा ने सिंगापुर में इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के $25,000 के महिला टूर्नामेंट में जीत हासिल की। इसमें मैं आपको बता दूं, जो सिंगापुर है, सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, और जो सिंगापुर की करेंसी है वो है डॉलर। कैपिटल इज सिंगापुर सिटी एंड करेंसी डॉलर। आप सबको ये भी साथ साथ ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी कंट्री न्यूज़ में होती है उसकी कैपिटल और करेंसी एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लेते हैं स्टैटिक के पोर्शन में चेंज करके। नेक्स्ट न्यूज़ इज, साहित्य अकेडमी अवार्ड विनिंग बंगाली राइटर अतीन बंदोपाध्याय हैज़ पास अवे रिसेंटली, ही वॉज 85। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता बंगाली लेखक अतीन बंदोपाध्याय का हाल ही में निधन हो गया, वे 85 वर्ष के थे। अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ इज, मणिपुर मेघालय एंड त्रिपुरा हैव सेलिब्रेटेड देयर स्टेटहुड डे 21 जनवरी 2019। मणिपुर मेघालय और त्रिपुरा ने अपना स्थापना दिवस 21 जनवरी 2019 को मनाया। फ्रेंड्स ये जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है इसको स्टार मार्क कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये आपके एग्ज़ाम में पक्का आएगा। अगली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मैन मसाजो नोनाका हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज 113। ये न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति मसाजो नो का हाल ही में निधन हो गया, वह 113 वर्ष के थे। एग्ज़ाम में आ सकता है कि जिसका हाल ही में निधन हुआ, आपको नेम दे दिया जाएगा या नाम पूछ लिया जाएगा या आपको एज पूछ लेगी कि वह कितने वर्ष से है। अगली न्यूज़ आती है, 15th एडिशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस हैज़ बीन स्टार्टेड इन वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रवासी भारतीय दिवस का 15वां संस्करण शुरू किया गया। तो फ्रेंड्स आज की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, वो इतनी ही थी। तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद लगा तो इसे लाइक कीजिए, और जो भी आपके डाउट है कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डेली वन लाइनर करंट अफेयर्स की न्यूज़ जानने के लिए। आज के लिए बस इतना ही।